हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैथे की चटनी बनाने वाले हैं। ये कैथा बहुत ही आसानी से मिल जाता है और गर्मी के सीजन में इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये खाने में खट्टा होता है, तो इसका हार्ड पोर्शन को हम पत्थर से फोड़कर अलग कर लेते हैं। जैसे बेल का होता है ऊपर का हार्ड पोर्शन, तो इसी तरीके से हम ऊपर वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं और अंदर से देखने में ये इस तरीके का होता है। तो इसकी चटनी बनाएंगे। ये खाने में खट्टा होता है, तो हमने आधा कैथा ही लिया है और जितना कैथा आधी हमने प्याज ले ली है और हरी मिर्च और धनिया। तो कैथा को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया और यदि आप प्याज खाते हैं तो प्याज डाल दें, अदरवाइज प्याज के बिना भी बहुत ही अच्छी लगती है। हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम और स्वादानुसार नमक, और हरी धनिया हो तो हरी धनिया डाल दें और इसको अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। यदि आपके पास हरी धनिया नहीं है तो सिर्फ आप कैथा, नमक और मिर्ची भी डालकर बनाएंगे तो इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी झटपट से चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको आप गर्मी के सीजन में एंजॉय करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।